नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आपने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस प्रकार से और कितने प्रकार से जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं अपने HTML फाइल में, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कमेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कमेंट का यूज कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कमेंट हमें देना क्यों चाहिए, अगर मान लीजिए आप कुछ कोड लिख रहे हैं और उन कोड को आप अपने वेब पेज के ऊपर नहीं दिखाना चाहते, उनको बस एक इंफॉर्मेशन के रूप में सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप उस चीज को कमेंट बना सकते हैं। कमेंट का यूज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और कमेंट का यूज करना भी चाहिए। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि वेब पेज पे शो नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि वो ब्राउजर हमारा उसको दिखाए, उसको आप कमेंट के रूप में दे सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कमेंट कितने प्रकार के हैं। तो कमेंट के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हमारा, ये है हमारा कमेंट का दो प्रकार, जिसमें हम देखते हैं इन लाइन, यानी कि जिसको हम सिंगल लाइन कमेंट्स बोलते हैं। एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स जब हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं तो हमें इस तरीके से डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है। डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके हम जो कुछ भी लिखेंगे उसके आगे वो एक कमेंट बन जाता है और हमारा ब्राउजर उस लाइन को रीड नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, इस तरीके से एक वेरिएबल असाइन किया गया है और इसके बाद यहाँ पे कुछ डबल स्लैश लगा करके कुछ लाइन लिखी गई है, तो ये कमेंट बन जाएगा, इसको ब्राउजर रीड नहीं करेगा। इस प्रकार से हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। दूसरा आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर मान लीजिए हमने दो या दो से ज्यादा लाइनों को लिख रखा है और हम डबल फॉरवर्ड स्लैश हर लाइन में जा जा करके नहीं देना चाहते, तो हम स्टार्टिंग में इस तरीके से सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगाएंगे और लास्ट जहां तक कमेंट देना है, जैसे ये दो लाइनें थी, यहां पे वापस स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। तो ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट का मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है और ऐसे ही मल्टी लाइन कमेंट CSS में भी यूज किया जाता है। चलिए अब हम अपने कोडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इनका किस प्रकार से यूज करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा था, हमने एक फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी। आज मैं राइट क्लिक करके फिर से उसी फोल्डर के अंदर क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, तो ये हमारी जो फाइल है यानी कि हमारा जो कोड एडिटर है वो ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमारी वो फाइल ओपन हो चुकी है जो हमने कल बनाया हुआ था। हम इसी के अंदर सीख लेते हैं कि कैसे हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे हमारी की एक एक्सटर्नल फाइल हमने कल लिंक करके देखा था, वो यहाँ पे लिखा हुआ। फिलहाल चलिए हम यहीं पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया स्क्रिप्ट, ओके, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट नाम का टैग लिखना होगा। कल हमने देखा था कि अगर हम एक पॉपअप मैसेज शो कराना चाह रहे हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए, अलर्ट नाम का यहाँ पे फंक्शन कॉल करना चाहिए और डबल कोट्स के अंदर जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लिखना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, हम इस तरीके से लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, यानी इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करके अलर्ट फंक्शन का यूज करके एक मैसेज डाला। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे जाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि हमारा ये जो हेलो नाम का मैसेज था वो पॉपअप के रूप में दिखाई दे रहा। ओके करके यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मैं वापस आता हूँ अपने कोड एडिटर। तो मान लीजिए कि मुझे इस लाइन को यहाँ पे रीड नहीं करवाना है, मैं नहीं चाहता कि ये लाइन हमारी रन हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। तो देखिए इसके आगे जो भी था वो ग्रीन कलर में हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कमेंट हमारा ग्रीन कलर में आ जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे वो कोड हमारा शो नहीं किया, यानी कि वो जो कोड था वो रन नहीं किया, वो मैसेज हमारे सामने नहीं है। तो इस प्रकार से सिंगल लाइन कमेंट का यूज होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइल इस कोड को, हमारा ब्राउजर इस कोड को रन ना करे, तो हमें उसे कमेंट दे देना। चलिए मैं वापस इसको कमेंट से हटाना चाहता हूं, तो मैं ये फॉरवर्ड स्लैश यहां से हटा दूंगा। ओके, तो जैसे मैं यहां पे सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए
मैंने क्या बताया कि हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मुझे एक हेडिंग देनी है या एक हिंट देना है सिंगल लाइन कमेंट, ओके, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर पे नहीं दिखेगी, लेकिन ये इतनी इंफॉर्मेशन दिखेगी क्योंकि ये कमेंट के रूप में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये मैसेज हमें हेलो वर्ड मिल रहा है, लेकिन जो हमने लिखा था सिंगल लाइन कमेंट वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो ये फायदा होता है कमेंट देने का। वहीं अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट, तो चलिए हम मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं कुछ कोड और भी लिख लूंगा, तो मैं यहाँ से इस चीज को अब चलिए हटा देता हूँ। जैसे कि एक अलर्ट दिया था, हमने एक अलर्ट फंक्शन और लगा दिया, और इसके अंदर लिखता हूँ सब्सक्राइब, ओके। तो अब हमने यहाँ पे दो मैसेज डाल दिया है। दोनों मैसेज को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ओके करते हैं, जैसे ओके किया दूसरा कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है और हमें नजर आता है यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है। अब ओके करेंगे तब हम अपने वेब पेज पे आएंगे। इस प्रकार से मान लीजिए एक चलिए लाइन और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट पे कोई मैसेज लिखना है, हमने कल देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, जो भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट करना है वो मैसेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा हेलो वर्ल्ड, ओके करेंगे तो दूसरा कोड रन हुआ सब्सक्राइब वाला, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे वेब पेज के ऊपर हेलो वर्ल्ड नाम का मैसेज आ चुका है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन के कोड को लिख लिया है और मैं एक ही बार में सबको कमेंट देना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में जहां से कमेंट देना है सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, फिर एक स्टार लगाना है और जहां तक कमेंट देना, मान लीजिए कि यही दो लाइन हमें कमेंट में देनी है, तो यहाँ पे जाकर के लास्ट में स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे। ये दो लाइन हमारी यहाँ पे कमेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट का यूज किया जाता है। अब सिर्फ हमारी यहाँ पे ये वाली लाइन रन होगी। अगर हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ड देखने को मिल जाता है, बाकी दोनों लाइनें हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। और वहीं पे अगर मैं ये इतना पार्ट जो कमेंट का था इसको हटा करके लास्ट में ला करके क्लोज कर दूं, तो अब हमारी पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे कमेंट बन चुकी है, जो कि यहाँ पे रन नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका ये मल्टी लाइन कमेंट और इन लाइन कमेंट क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है। आप भी जब भी अपना कोड लिखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट का यूज जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।